इस वक्त हमारे पास जो पहली खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है कि इलॉन मस्क ने घंटियां बजा दी हैं, अलार्म बेल्स बजा दी हैं कि चाइना कोलैप्स करने वाला है। मस्क ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई चाइना डूबने वाला है। तो आपको मुल्की मईशत को देखते हुए, जो सूरत हाल उसको देखते हुए, लगता है कि ऐसा होगा? आई थिंक मुझे समझ आ रही है क्यों उन्होंने ये बात कही। क्यों? वो इसलिए कही है कि इस वक्त इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं चाइना के अंदर। चाइना ने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स लिया है। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, सारे दुनिया की बैंकिंग तो कलैप्स कर जाएगी। भारत अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं कर रहा, अपॉर्चुनिटीज भारत में ऑलरेडी लैंड कर रही है। और भाई पाकिस्तान जैसा जानवर, उसको पूरी दुनिया ने लोन दिया हुआ है, वो कहीं मर ना जाए उसके लिए उसको और लोन देना पड़ता है। वही हाल चाइना का भी है। हाल देखो इनका, तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। फिर जश्न मनाते हैं, हो गया, मिल गए पैसे, फिर उस पैसे पे सूद भी देना है। ये तो अजीब भिखारी है। भिखारी भीख मांगता है, चलो ठीक है, खैर है, चलो भाई, लेकिन वो उस पे सूद तो नहीं देता। वो तो बल, आपको लगता है कि हमें अब इस बारे में सोचना होगा कि हमसे कहां कहां पे गलतियां हुई और उसका दरक कैसे मुमकिन बनाया जाए? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गैन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं इस समय दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ऐसे में आपने कई मीडिया चैनलों के थ्रू यह जरूर सुना होगा पिछले काफ़ी टाइम से कि चाइना की इकोनॉमी डूबने वाली है, चाइना की इकोनॉमी तबाह होने वाली है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यह सुनते सुनते, लेकिन चाइना को डूबते हुए तो अभी देख नहीं रहे। तो बात यह भी है कि जिस तरह से कोई भी देश रातों रात या साल दो साल या पाँच साल के अंदर एकदम से तरक्की नहीं करता है, बल्कि उसमें दशकों लगता है, तो ठीक उसी तरह से किसी कंट्री के डाउनफॉल होने में भी दशकों लग जाते हैं, अगर कोई बिल्कुल ही अनहोनी ना हो जाए। वही बात चाइना की डूबने की, तो जिसका मतलब ये नहीं कि चाइना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हमारा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जरूर होगी कि अगर चाइना की तरक्की रुकती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान के ऊपर होगा। और पाकिस्तान जो अभी बुरी हालत में है, न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकली, चाइना के डाउनफॉल के बाद पाकिस्तान की स्थिति की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक न्यूज़ आई कि इलॉन मस्क ने घंटियां बजा दी हैं, अलार्म बेल्स बजा दी हैं कि चाइना कोलैप्स करने वाला है। इलॉन मस्क है, आपको मालूम है, हमेशा ही वो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस की बात करता है। कोई भी डेंजर आने वाला होता है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के अंदर, तो पहले बताया था कि यहाँ पर ये गलती आने वाली है। अब मस्क ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई चाइना डूबने वाला है। आपको मालूम है, इलॉन मस्क कभी भी छुपी हुई बात नहीं करता, वो हमेशा ही डायरेक्ट बात करता है। और इसकी चीजों के ऊपर विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत इसी सिचुएशन में से अभी भी गुजर रहा है, और इसके लिए भारत को भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि जो कंट्री का मॉडल होता है और कंपनी का मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, स्केल का फर्क है। उसने बोल दिया कि चाइना ने तरक्की बहुत करी, कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये वो कंट्री है जो बिल्कुल गरीबी में था, लेकिन अभी उसके बाद इन्होंने 30-40 साल मेहनत करी और मेहनत करके आज एक डेवलप्ड कंट्री ये बन गए हैं। और इलॉन मस्क ऐसी कंट्री के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक कोलैप्स चाइना में आने वाला है। इनका मॉडल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप पहले दुनिया की कंपनियों को बुलाइए, उनको बोलिए फैक्ट्री बिल्ड कीजिए, और उसके बाद एक्सपोर्ट, यानी कि बिल्ड मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट, सिर्फ तीन चीजें, इसके ऊपर चाइना ने कॉन्सेंट्रेट किया। ऊपर से WTO को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में। उसके बाद इन्होंने अपनी कंट्री को बिछा दिया दुनिया के सामने, ये बोलकर कि लो लेबर कॉस्ट है, लैंड चीप है, और इस चीजों को दिखाते हुए इन्होंने अट्रैक्ट किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये वो टाइम था जब कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी और ये बोल रही थी और सामने उसकी जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग करने की चाइना करता रहा है। लेकिन दोस्तों, चाइना वो कंट्री है, इन्होंने पूरे दुनिया की ग्रोथ को एक इंजन की तरह आगे लेके गया। लेकिन अभी जैसे कोई भी इंजन है, अगर लगातार चलता रहेगा ओवरहीट हो जाता है। तो इलॉन मस्क भी बोल रहा है कि चाइना का जो इंजन है ग्रोथ का, वो ओवरहीट हो गया है। और एक और चीज बोली है कि चाइना जो है उसकी जो फाउंडेशन थी वो फ्रेजाइल थी, क्रैक्स थे उसके अंदर।
अब ये करेक्ट कौन से बोल रहा है? उसने बोला तीन इश्यूज। पहला था कि 50 ट्रिलियन डॉलर की रियल एस्टेट की ये बबल है। आपको मालूम है रियल एस्टेट में तो भांडा फूट गया, इनका हालत खराब है, बैंक डिफॉल्ट होते जा रहे हैं, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं, उन्होंने इतने अनाप शनाप पैसे उठाए हुए हैं पूरी दुनिया से, जो वापस देने का उनका ना तो नियत है ना ही हैसियत रही है। यानी कि जो इलॉन मस्क बोल रहा है कि इसके रिपल इफेक्ट हैं पूरी दुनिया में, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बैंकों के जब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस नहीं आएंगे, पूरे दुनिया की जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो कलैप्स कर जाएगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। क्यों? पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं चाइना के अंदर, और भाई पाकिस्तान जैसा जानवर, उसको पूरी दुनिया ने लोन दिया हुआ है, वो कहीं मर ना जाए उसके लिए उसको और लोन देना पड़ता है। वही हाल चाइना का भी है। चाइना ने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स लिया है, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स मरती हैं सारे दुनिया की बैंकिंग तो कलैप्स कर जाएगी। भाई आपने कोविड में देख लिया, कोविड यहाँ हुआ पूरे दुनिया को 3 साल के लिए बंद कर दिया, ये खुद खुले रहे। तो यही चाइना का स्टाइल है, ये अपने आप को मरने नहीं देंगे, दुनिया को तोड़ के रख देंगे ये लोग। इसलिए बार बार इलॉन मस्क एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो कंट्रीज हैवीली रिलाई करती हैं चाइना के ऊपर, इन्हें अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। और तीसरा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर जो कि इंपोर्ट होती है, ऑयल और कोल के ऊपर, और इसके कारण इनकी जो बेस है वो हिला हुआ है। यानी कि चाइना की जो ग्रोथ है वो एक ट्रैप बन गया है, एक ऐसे भवंडर में चाइना फंस गया है इलॉन मस्क के हिसाब से, कि यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब इलॉन मस्क ने सॉल्यूशन भी बताए हैं, और ये सॉल्यूशन आपके लिए अगर आप कंपनी चलाते हैं या भारत के लिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट है जो समझने की बात है। एक तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर चाइना को काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी चाइना बहुत बड़े लेवल पर काम करता जा रहा है। दूसरा, जो चाइना की हमेशा डिपेंडेंसी रही है एक्सपोर्ट के ऊपर, इलॉन मस्क ने बोला कि यहां पर ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन से करनी पड़ेगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है एक्सपोर्ट का चाइना का वो सस्टेनेबल नहीं है, और जो इकोनॉमी है चाइना की उसे कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा जैसे भारत की है। अब चाइना करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस सजेशन बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा बोला, कॉपी करना बंद करो चाइनीज, ये बोल दिया इलॉन मस्क ने, भगवान के वास्ते इनोवेशन करना शुरू करो। और ये चीज मैं भी मानता हूँ कि भारत को भी इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई निजाम अभी तक नहीं बना है, ऐसा कुछ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है जिससे इस तरह के लोगों को ये बताया जा सके कि किसी से मांगना बुरी बात है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के, वो जाकर कभी चाइना से, कभी सऊदी अरब से, कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसा दे दीजिए, और खुद कमा नहीं रहे, खुद कमाने की, खुद काम करने की आदत जो है वो ना गवर्नमेंट में रही है और ना ही आम पब्लिक में रही है।